हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम जा रहे हैं फंक्शन को अटेंड करने के लिए, जो कि है यहीं डंसा गांव में। तो वहां जा रहे हैं हम, मुंडन सेरेमनी है वहां पे जा रहे हैं, मुंडन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। वहां पे देवता भी आएंगे और हमारे साथ कौन कौन ज्वाइन करेगा ये आप बने रहिए ब्लॉग में, आगे आगे आपको देखने को मिल जाएगा। हम रेडी हो गए हैं, मैं जा रही हूँ और हस्बैंड जा रहे हैं। अनुराग नहीं जा रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे नहीं जाना, मैं वहाँ बोर हो जाता हूँ, तो इसलिए अनुराग नहीं जा रहा है। हम दोनों जा रहे हैं और हमारे साथ और भी जा रहे हैं, तो उनसे आपको मिलवाते हैं वहाँ पहुँच कर रोड में। और चलिए चलते निकलते हैं फटाफट। ये आ गए हमारे आज के पार्टनर, दो दो दीदी आए हैं, शादी वाले, ब्याह वाले, रोने वाली, उनकी शादी में रोने वाले। पिछले ब्लॉग को ना सब लगे पर बोले ये ऐसा क्या हो गया, तो बोला मैंने बोला मैं ना ऐसे रो रहे थे, सारे रो रहे थे, उसने कुछ हुआ ही वीडियो बना रहे। मैंने बोला फिर हंसी भी आ रही, रोना भी आ रहा था, वो रहा था ऐसा। बोला अच्छा, बोला ऐसा लग रहा है कि आप इतने जोर जोर से रो रहे। मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं था, जोर से नहीं रो रही थी, बोला मैं रो रही थी, मैं आंसू सब के निकल रहे थे, पर उस टाइम वो हुआ। यहाँ पे कितने सारे सेब के बगीचे हैं, लाली जा रहा है, मुँह में पानी आ रहा है सेब देख देख के। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं डंसा गांव और दोनों ओर सेब के बगीचे और बीच में से होता हुआ रोड। ठंडी ठंडी हवा, गर्मी से रात मिली हम सबको, मर गए थे गर्मी से नहीं तो। यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं डंसा गांव में सभी, अब जा रहे हैं हम उनके घर, यहीं पास में ये घर। और गांव देखो कितना बड़ा है, यहाँ पे डंसा गांव बहुत बड़ा है, वो देखो वहाँ से शुरू हो रहा है और इधर इधर आगे तक है, बहुत दूर तक है और बिल्कुल पहाड़ी पे है। देखो हम काफ़ी हाइट पे आ गए हैं, सामने बिल्कुल पहाड़ी, वो जो सीधी वाली पहाड़ी है ना वो दिख रही है यहाँ से। काफ़ी अच्छा सा व्यू है, पेड़ पौधे हैं अच्छे अच्छे और हर चीज़ के पेड़ पौधे हैं यहाँ पे भी। ये वैसे वाला एरिया नहीं है जैसे हम वहाँ गए थे, क्यों धार गए थे ना, वहाँ भी ऐसा ही था। वहाँ थोड़ा पास में, ये थोड़ा दूर है। दूर तो बेशक है ना, पर मतलब है वैसा ही एरिया ना, हर चीज़ है यहाँ पे भी। गांव में कैसे होता है, तंग तंग रास्ता, तंग तंग रास्ते से जा रहे हैं हम, वो आगे आगे दीदी वगैरह जा रहे हैं, हम पीछे पीछे। और ये सारे लगे हैं राजमा, राजमा है ना, नीचे है मक्की, मक्की भी लगी, आलू है, सारी चीज़ें यहाँ पे। काफ़ी अच्छा है, मतलब यहाँ पे ठंडा है मौसम, बिल्कुल भी गर्मी नहीं, हल्की सी भी गर्मी नहीं है, अच्छा ठंडा ठंडा सा मौसम है। और हल्की सी बारिश आएगी ना तो यहाँ पे ठंड लगेगी, बहुत ही बढ़िया सा मौसम। और ये सामने लगा है टेंट, यहाँ पे यहीं पे जाना है हमारे को, पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, यहीं पर जाना है। हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते, मैं परेश आऊँ। अच्छा जी, यही वाला घर है यहाँ पे, और गेट उधर से है, तो हम पर से आ रहे हैं, वो उनके बच्चे थे जिन्होंने बोला कि आप उधर से आओ, तो यहाँ पे हम पहुँच गए उनके घर पे। अभी कैमरा बंद कर लेते हैं, अच्छा नहीं लगता कि हम कैमरा ऑन करके ही घुस जाए अंदर, ऑन ऑन में ही आए। कैमरा मैन के साथ में छुप रहे हैं। ये देखो यहाँ पे पूरी तैयारियाँ हो चुकी है देवता देवता आने की, पूरा चौका चुका लिखा गया है। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, देखो यहाँ बहुत ही सुंदर सी जगह है। और ये हुई खुशी आपको कि नहीं हुई, आपने क्या बोला था कि मैं तो बात नहीं करूँगी इसलिए मैं आ गई। धन्यवाद यार दीप भाई, मैं तो बहुत याद कर रही थी, मैं सोचा आएंगे कि नहीं आएंगे भाई। नमस्ते, मैं लगी ना मोने पत्ते नहीं भाई, भगवान का सर, मैं ना मैं चलो आते हुए लेट जैसे आते हुए
कितने खुश हुए आप? बहुत ज्यादा। कितने ज्यादा? हंसे भी ज्यादा कि आप पहुंचे हमारे ये है दीदी, हम इनके घर में आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके घर में आके। मार्को भी बहुत ही सुंदर सा घर बनाया है इन्होंने, हम यहाँ बैठे हैं सोफे पे। आप क्यों नहीं पी रहे भाई? ब्रास का जूस है, पियो। तो यहाँ पे हम आए हैं टेरेस पे और यहाँ से ना व्यू इतना सुंदर है और सामने ये मंदिर देवते का, और वहाँ पे देवता अभी निकल चुके हैं अपने मंदिर से बाहर और आएंगे अभी यहाँ पे, और जो चोली के देवता भी पहुँचने ही वाले हैं। तो अभी हम आए थे टेरेस पे, यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर है। आपको बैंड बाजी की आवाज़ तो आ ही रही होगी, तो जूम इसमें हो नहीं सकता भाई, तब मैं कैसे दिखाऊँ। ढोल नगाड़े बज रहे हैं काफ़ी ज़ोरों शोरों से, और आसपास का व्यू तो बहुत ही मस्त है। यहाँ पे इतना सुंदर व्यू है ना भाई, क्या बताएं, बहुत ही सुंदर है। व्यू भी सुंदर है और इनका घर भी बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर सा घर बनाया है इन्होंने। चलो चलते हैं नीचे की ओर। यहाँ से उतरते हैं हम नीचे।
कोई नहीं यार अभी आ रही दोनों साइड से नहीं नहीं इनको ही लो जी ये ज्यादा खा रहे हैं आप बड़ी देर से खा रहे हैं मेरे बनाओ भाई इनको मतलब कब से खा रहे हैं देखो तीसरी की चौथी इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है भाई कौन ज्यादा खा रहा है इनका ध्यान एक दूसरे पे ही है एक दूसरे पे ही है इनका ध्यान बोला हमारे हाथ में बोला आप बताओ हाँ जी मैं भी खाती हूँ भैया मुझे भी देना दादी हाँ जी ये बोल रहे ना हाँ इनको भी ला लो बुलाओ इधर ला अच्छा इधर बुलाओ इनको पहले इसके साथ है इधर बुलाओ इसको भाई